आपका घाटशिला में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलता है। आदिवासियों को लागू नहीं होगा, उनकी सुरक्षा का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। 2100 रुपया एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा, और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। युवाओं को, युवाओं जरा जोर से ताली बजाना, युवाओं को हर महीना 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,87,000 सरकारी पदों की भर्ती एक ही साल में करकर पेपर लीक करे बगैर युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम ये जो पेपर लीक हुए हैं इसकी सीबीआई की जांच भी रखने वाले हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेंगे, और सभी दीदी लोग माताएं सुन ले, 50 लाख रुपए तक की जो भी खरीदी करेंगे आपको इस पर स्टैंप ड्यूटी भरना नहीं पड़ेगा, आपके लिए फ्री घर जाहिर करने का काम पर। हम हर गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे, और हर घर में 70 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग है उसको और 5 लाख रुपया देंगे इलाज के लिए। इसका मतलब हर घर में, गरीब के घर में 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और हर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुखियाओं का वेतन 5000 रुपए तक बढ़ाएंगे, और ओबीसी को किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2500 रुपए का पेंशन हर माह दिया जाएगा, और नए लैंप्स बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठ करने के अलावे, भ्रष्टाचार करने के अलावे, अपने घर भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। यहां पर इतना खदानों में खनिज पड़ा है, इसका भ्रष्टाचार के बगैर अगर कोई उपयोग करे तो पूरे देश का समृद्ध राज्य मेरा झारखंड बन सकता है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 5 साल भाजपा की सरकार बना दीजिए, झारखंड से पलायन पूर्णतया बंद हो जाएगा, युवाओं को काम भी मिलेगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों, माताओं, भाजपा सरकार लाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता, हेमंत सोरेन तक आवाज जानी चाहिए, बताओ लाओगे क्या? मोदी जी ने जो मोदी गारंटी दी है इसका उपयोग कर झारखंड को समृद्ध बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, आगे आओ।
हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। हेलो हेलो। तो देखा, हमने देखा किस तरह से अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपनी चीजों को रख रहे हैं सामने। जहां घोषणा पत्र बीजेपी का आया है, वहां घोषणा पत्र के आधार पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।